हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता की रेसिपी। चलिए आज सामग्री हम आपको दिखा देते हैं। ये हमने लिया है पनीर, इसको हमने मैश कर लिया है। इसमें मैश करने के लिए हमने आलू लिया है, दो तीन आलू ले लीजिए आप अपने हिसाब से। इसके अंदर स्टफिंग करने के लिए थोड़ी सी किशमिश ले ली हमने। और ये हमारा प्याज है, टमाटर है, काजू और मगज है, इसको हमने भिगो के ले लिया है। कॉर्न फ्लोर, ये मलाई है, आप इसके जगह पर क्रीम भी यूज कर सकते हैं। और ये हमारे कुछ मसाले हैं, गरम मसाले, इसमें दालचीनी, दो मोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, जीरा, तेजपत्ता, तीन चार हरी मिर्च हमने लिया हुआ है, मिर्च बिल्कुल तीखी नहीं है, अदरक लहसुन। और ये हमारे सूखे मसाले हैं, जिसमें धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक। और ये हमने बटर ले लिया है, आप चाहिए तो बटर यूज करिए, नहीं तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, कोई सा ऑयल भी यूज कर। अब चलते हैं हम इसको ग्रेवी तैयार करने के प्रोसेस में। हमने गैस पे पैन चढ़ा दिया है, अब इसमें हम डालेंगे बटर। इसमें हम डालेंगे जीरा, ये मसाले डाल देंगे हम। मसाले हम फ्राई मिलाएंगे, उसके बाद हम ये लहसुन, अदरक और ये इसको भी हम फिर से कट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को भी ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हमको इसको ट्रांसपेरेंसी रखना है, चिकन लाइट। हम अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे। काजू और मगज डाल देंगे। उसके बाद हम ये टमाटर डाल देंगे। डालने के बाद हम इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे और इसको हम ढक देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, पानी डालने के बाद हम टमाटर को पका लेंगे अच्छे से, इसे हम ढक देंगे। और ढक के हम इसको कुछ देर तक कर लेते हैं।
मसाले हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, टमाटर सॉफ्ट हो गया है। इस गैस को हम बंद कर देते हैं। इसे ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके इसे एक बार छान लेंगे। गैस को हमने ऑन कर लिया है। इसमें कढ़ाई हमने कोफ्ते को तलने के लिए चढ़ा दिया है। चलिए तब तक आप अपने हम चला तैयार कर लेते हैं कोफ्ते को बनाने के लिए। ये है पनीर, इसको हमने मैश कर लिया है। इसमें हमने ये जो आलू है इसको भी डाल देंगे, मैश करके डाले हैं। एक चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर का आटा डाल देंगे हम। थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे इसमें, और ये घिसा हुआ अदरक डालेंगे इसमें। हाथ को अच्छी तरह से धो लिया है हमने। अब इसको हम चलते हैं गूंथने के प्रोसेस में। तब तक हम कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। इसको हमने गूंथ लिया है। वीडियो लग रहा है बंद हो गया था, इसके लिए सॉरी। इसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर आटा डाला है और कुछ मसाले डाले हैं। इसको हम ऐसे हथेली से गोलियां बना लेंगे। इसमें आप किशमिश डाल सकते हैं। गोलियों को हम बना के रख देते हैं। हेलो फ्रेंड, हमारा वीडियो जो है डिलीट हो गया था, ये हमने एडिट करते हुए लास्ट में ऐड कर दिया है। हमने इस तरह से कोफ्तों को फ्राई करके निकाल लिया था, उसके बाद जो है हमने मसालों को डाल के वहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट है। सॉरी दोस्तों, आप देख सकते हैं ग्रेवी में हमारे बॉयल आ गया है। इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, इसको हमने रोस्ट करके हल्का सा क्रश कर लिया है। बाद में हमने नमक और थोड़ी सी मिर्च ऐड किया था, वो दिखा नहीं पाए। ये मलाई आप चाहे तो क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें फूड कलर भी ऑरेंज डाल सकते हैं, नहीं तो आपकी ग्रेवी ऐसे ही अच्छी लग रही है। ग्रेवी को अगर आप थिक रखना चाहते हैं तो थिक रखिए, नहीं तो अगर थोड़ा सा पानी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी हमारी पक गई है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। ग्रेवी हमारी पक गई है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और कोफ्ते को हम इसमें नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। इसे जब आपको खाना हो उसी टाइम पे आप इसको सर्व करिए। चलिए अब हम सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। कोफ्तों को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हम ग्रेवी डालेंगे। इसको हम गर्म ग्रेवी में कभी भी नहीं डालेंगे, नहीं तो कोफ्ते हमारे टूट जाएंगे।
कोफ्ते इतने सॉफ्ट बने हैं कि मुंह में ही जाते ही घुल जाएं। आप देख सकते हैं कोफ्ते हमारे कितने ही अच्छे बने हुए हैं। अगर आपको हमारे कोफ्ते, मलाई कोफ्ते अच्छे लगे हो तो आप इस रेसिपी को बना के एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल माधुरी किचन ब्लॉग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरह से हमारे वीडियो को आप देखते रहिएगा।